हम लोग फर्स्ट ईयर के यूनिट नंबर 6 में बात कर रहे थे और अभी तक 6.10 के हम लोग पहले 15 सवाल सॉल्व कर चुके हैं। आज बात शुरू करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 16 से, इन विच इट स्टेट्स के अगर हार्मोनिक मीन और अर्थमेटिक मीन दो नंबर्स के दरमियान 4 और 9/2 हो रिस्पेक्टिवली, यानी कि हार्मोनिक मीन 4 और अर्थमेटिक मीन 9/2 है, ये हमें वर्ड रिस्पेक्टिवली से समझ आता है। आगे क्या कहता है जी, फाइंड दी नंबर्स, यानी वो दो नंबर्स मालूम करें जिनके अर्थमेटिक और हार्मोनिक मीन्स ये हैं। स्टार्ट कर लेते हैं जी इसके सोल्यूशन को और देखते हैं हम लोग वो नंबर्स कैसे मालूम कर सकते हैं। मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि ए और बी जो है ना, ये वो दो नंबर्स हैं। अगर ए और बी ये दो नंबर्स हैं तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था ए और बी के लिए ए प्लस बी ओवर टू, जबकि हार्मोनिक मीन का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था 2 times AB over A plus B। मुझे हार्मोनिक मीन 4 जबकि अर्थमेटिक मीन 9/2 गिवन है। मैं इन वैल्यूज़ को पुट करता हूँ, अर्थमेटिक मीन की जगह पे आ गया जी 9/2 इक्वल्स टू ए प्लस बी ओवर 2। अब ये जो 2 इक्वल के लेफ्ट पे डिवाइड राइट में जाके होगा मल्टीप्लाई, तो 2 से हो जाएगा कैंसिल, मैंने पहले ही कर दिया, मेरे पास आ जाएगा ए प्लस बी इक्वल्स टू 9। और यहाँ से किसी एक की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो ए इक्वल आ जाएगा 9 - B के। इसको इक्वेशन 1 कह के रख लेते हैं। हार्मोनिक मीन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में हार्मोनिक मीन मुझे 4 गिवन है, तो एच की जगह पे अगर मैं 4 पुट करूँ, इट विल बिकम 4 इक्वल्स टू 2 AB over A plus B आ जाएगा। अब 4 वैसे ही ए प्लस बी जो डिवाइड हो रहा है इक्वल की लेफ्ट पे आके 4 से होगा मल्टीप्लाई, इक्वल आ जाएगा 2 AB के। मैं इसके अंदर अपनी वैल्यूज पुट कर लेता हूँ, कौन सी वैल्यू जो मैंने निकालनी है। मैंने देखा कि ए प्लस बी 9 के इक्वल है, तो 4 वैसे ही ए प्लस बी की जगह पे आ गया 9 इक्वल टू, ए की वैल्यू 9 - B निकाली है तो ए की जगह पे आ गया 9 - B इंटू बी रहा एज इट इज। ये बात हमने कहाँ से लिखी जी, इस बात को हम लोगों ने किया है फ्रॉम 1, जो पहली इक्वेशन हमने ये बना के रखी थी। इसी एक्सप्रेशन को फर्दर सिंपली करते हैं, 4 9s are 36 इक्वल आ गया जी 2 times 9 - B इंटू बी के। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल की लेफ्ट पे आके 36 के नीचे होगा डिवाइड, इक्वल में b मल्टीप्लाई हो रहा है जी 9 - B से। यहाँ पे कटिंग कर लें जी, 2 1s are 2, 2 18s are 36, आपके पास आ गया जी 18 इक्वल। b को करें अंदर मल्टीप्लाई, b इंटू 9 विल गिव यू 9b माइनस b की b से प्रोडक्ट आ जाएगी b square आ गया मेरे पास। इसका मतलब ये इक्वेशन मुझे क्वाड्रेटिक बनती हुई नज़र आ रही है। तो क्या करते हैं जी, हम लोग पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी इक्वल की राइट पे होना चाहिए 0, तो -B² लेफ्ट साइड पे आके हो जाएगा प्लस का B² प्लस 9B इक्वल की दूसरी तरफ आके माइनस का 9B और प्लस 18 इधर एज इट इज ही पड़ा हुआ है, इक्वल आ गया किसके 0 के। अब ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। इसको हम 3 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या कंप्लीटिंग स्क्वायर। और सबसे आसान वन फैक्टराइजेशन है, मैं उसी को यूज़ कर लेता हूँ। बी स्क्वायर रहेगा वैसे ही, 9b के अगर मैं फैक्टर्स ब्रेक करूँ व्हाट विल दे बी, वो आएंगे माइनस का 3b और माइनस का 6b, प्लस का 18 इक्वल टू 0 आ गया एज इट इज़। मैं इन सारे फैक्टराइजेशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि हमने यूनिट नंबर 4 में इसको बड़ा ब्रीफली डिस्क्राइब किया हुआ है। नीचे डिस्क्रिप्शन में यूनिट 4 का लिंक मेंशन है, वहाँ से जाके फैक्टराइजेशन को समझ सकते हैं। अब पहले दो एक्सप्रेशंस के अंदर बी कॉमन है, तो यहाँ से बचा बी माइनस, सेकंड में से बच गया 3, माइनस 6b और 18 में माइनस का 6 कॉमन लिया तो बी, माइनस कॉमन लेने पे साइन चेंज यानी प्लस की जगह माइनस, और 18 को 6 पे डिवाइड करने में बचा 3 इक्वल टू 0। अब मेरी ब्रैकेट वाली वैल्यूज b-3 कॉमन आ रही है, इसको निकाल लें जी कॉमन, और पहली में से बचा b, दूसरी में से बचा -6 = 0। दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब दोनों में से कोई एक या दोनों 0 हो सकते हैं, दैट इज़ आइदर b-3 is 0 या हो सकता है कि b-6 0 हो या मे बी दोनों 0 हो। अगर b-3 0 है तो b की वैल्यू आ जाती है जी 3, और सेकेंड एक्सप्रेशन से b की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाती है -6 साइड में जाके प्लस का 6। तो मेरे पास b की दो वैल्यूज आ रही हैं, 1 3 और 1 6। नंबर्स मैंने क्या सपोज किए थे, आई सपोज देम टू बी a एंड b, b निकला है, a निकालना बाकी है।
ए के लिए हम लोगों ने ये इक्वेशन वन बना के रखी है कि वो 9 माइनस बी के इक्वल है। इन बी की वैल्यूज को मैं इक्वेशन वन में पुट कर देता हूँ। तो व्हाट विल वी राइट पुट इन वन, पहले इसके लिए बात करते हैं। ए इक्वल था 9 माइनस बी और बी की वैल्यू 3 के लिए आप बात कर रहे हैं। 9 माइनस 3, ए मेरे पास किसके इक्वल आ गया जी, 6। एक चीज, और अगर मैं बी की वैल्यू 6 पुट करूं जी अपनी इस इक्वेशन वन में, तो क्या होगा जी, मेरे पास ए इक्वल आ जाएगा 9 माइनस बी की जगह 6, और वो क्या रिजल्ट करेगा जी, 3। तो इन बोथ केसेस मेरे नंबर्स 3 और 6 ही आ रहे हैं। इट डजंट मैटर पहला कौन सा दूसरा कौन सा, हमने नंबर्स मालूम करने थे, तो दे आर 3 एंड 6। सो 3 एंड 6 आर द रिक्वायर्ड नंबर्स। फाइनली द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.10 व्हिच इज द 18-1 स्टेटमेंट मेरे पास है, इफ द नंबर्स 1/2, 4/21 एंड 1/36 आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ अ जीपी, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स में से अगर इन 3 नंबर्स को माइनस किया जाए, द रिजल्टिंग नंबर्स आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो माइनस करने के बाद जो नंबर्स आएंगे वो एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन बनाते हैं। तो हम क्या करें जी, आई नीड टू फाइंड दोज नंबर्स अगर उनकी प्रोडक्ट मेरे पास हो 1/27। मतलब क्वेश्चन की स्टेटमेंट से एक बात तो क्लियर है कि हमारे जो गिवन नंबर्स हैं वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे। स्टार्ट कर लेते हैं जी इसके सॉल्यूशन को, और मैं फर्ज कर लेता हूँ कि लेट a1/r, a1 एंड a1r बी दी नंबर्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के नंबर्स हैं, इन तीनों को मैंने इस फॉर्म में लेट कर लिया। इसी तरह लेट करने की क्या खास वजह, एक तो हमें पता है जी कि ए वन आर टाइप जो प्रोग्रेशन होती है वो ज्योमेट्रिक होती है, लेकिन इसी तरह लेट करना कि एक फ्रैक्शन में एक सिंगल देन ए वन आर, इसका हमें क्या फ़ायदा, ये हमें हमारे गिवन कंडीशंस में हेल्प आउट करेगी। देन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस व्हाट वी हैव, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस पहली है जी इफ देयर प्रोडक्ट इज 1/27। मैं इसको पहले यूज़ कर रहा हूँ, यानी जो 3 नंबर मैंने लिए हैं a1/r, इसकी प्रोडक्ट a1 से एंड देन a1r के साथ वो रिजल्ट करती है 1/27। अब यहाँ पे मेरे पास क्या चीज़ है जी, ये ओवर का r इस r के साथ हो जाएगा कैंसिल, a1 तीन प्रोडक्ट है, दिस विल गिव मी a1 का क्यूब इक्वल आ जाएगा 1/27 के। मैंने a1 मालूम करना है और उसके बाद r मालूम करूँगा तो मेरे पास वो तीनों नंबर्स पता चल जाएंगे। अब ये a1 का क्यूब है, क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे जी, a1 का क्यूब वैसे प्लस का 1/27 इक्वल की लेफ्ट पे आके माइनस का 1/27 इक्वल 0। अब a1 का क्यूब माइनस क्या, 1/27 को 1/3 का क्यूब लिखा जा सकता है इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मेरे पास a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको वो फॉर्मूला याद होगा। हम लोगों ने पढ़ा था कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमारे पास इक्वल होता है किसके जी, ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी एंड प्लस बी का स्क्वायर। ये क्यूब का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसको मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ जी यहाँ पे। तो मेरे पास आ जाएगा जी ए माइनस बी, यानी ए माइनस 1/3 इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी, यानी ए वन और 1/3 की प्रोडक्ट, तो वो आ जाएगी 1/3 ए वन एंड प्लस बी का स्क्वायर, यानी 1/3 का स्क्वायर आ गया आपके पास, इक्वल टू 0 रहेगा वैसे ही। अब ये दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट 0 आ रही है, दोनों को बारी बारी 0 को इक्वेट करेंगे, यानी एक बार होगा ए वन माइनस 1/3 इक्वल टू 0, और दूसरी चीज़ क्या जी, ये सेकेंड फैक्टर विच इज़ ए वन का स्क्वायर प्लस 1/3 ए वन और प्लस 1 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू 0, दोनों फैक्टर 0 के इक्वेट होंगे। एक बात तो हम लोग जानते हैं कि वेन एवर वी एक्सपेंड द फॉर्मूला ऑफ क्यूब, तो मेरे पास एक लीनियर फैक्टर और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर रहता है, और अगर मैं इस क्वाड्रेटिक फैक्टर को आगे फर्दर सॉल्व करूँ तो ये मुझे कॉम्प्लेक्स रूट्स देता है। इसका मतलब ये होगा कि ये एक्सप्रेशन जो ए वन स्क्वायर प्लस 1/3 ए वन प्लस 1/9 आया है, इसको अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड में चेंज करते हुए सॉल्व करूं तो ये मुझे कॉम्प्लेक्स रूट्स देगा, तो इसको मैं छोड़ दूंगा। व्हाई, बिकॉज इट गिव्स कॉम्प्लेक्स रूट्स। अब बात जहन में आती है कि अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स है तो
तो अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं उनसे भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन सकती है, लेकिन अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं तो हमारे क्वेश्चन की लेंथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सटेंड हो जाती है, तो हमें वो करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो हम यहाँ पे इन कॉम्प्लेक्स रूट्स को स्किप करते हुए रियल रूट के साथ मूव करते हैं। ए वन माइनस वन बाय थ्री इक्वल जीरो क्या, तो यहाँ से मेरे पास ए वन की वैल्यू क्या आ जाती है जी, वन ओवर थ्री आ जाती है। तो ये मैंने अपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की एक टर्म फाइंड कर ली है। वी सपोज द थ्री टर्म्स ए वन ओवर आर, ए वन एंड ए वन इंटू आर, जिनमें से सेकेंड टर्म ए वन हम लोगों ने फाइंड कर लिया वन बाई थ्री। अगर मुझे पहली और तीसरी टर्म्स फाइंड करनी है, फॉर दैट आई नीड टू फाइंड माई आर। आर को मैं कैसे मालूम करूंगा जी, आर को मालूम करने के लिए मैं क्वेश्चन में गिवन दूसरी कंडीशन का इस्तेमाल करूंगा। व्हाट वाज दैट, उसने कहा था कि अगर उन नंबर्स में से एक बटा दो, चार बटा इक्कीस और एक बटा छत्तीस को माइनस करें तो रिजल्ट में मेरे पास एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन आएगी। इसी बात का इस्तेमाल कर लेते हैं जी। ऑल्सो गिवन क्या चीज जी, अगर फर्स्ट टर्म में से माइनस करें हम वन ओवर टू को, सेकेंड टर्म विच वॉज ए वन उसमें से माइनस करें चार बटा इक्कीस को, और थर्ड टर्म जिसे आपने ए वन आर सपोज किया उसमें से माइनस करें तीसरा नंबर वन ओवर थर्टी सिक्स को, तो ये एक एच पी बनती है। अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन बनती है तो इसका मतलब मैं इसकी टर्म्स को रेसिप्रोकल लूँ तो वो मेरे पास अर्थमेटिक बनेगी। बट रेसिप्रोकल लेने से पहले मैं इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। वो कैसे जी, ए वन की वैल्यू निकाली वो इसमें पुट करें, तो करते हैं जी सिंप्लीफाई। इस ए वन की जगह आ गया जी वन ओवर थ्री, डिनोमिनेटर का आर वैसे ही, माइनस वन ओवर टू भी एज इट इज। सेकेंड टर्म में ए वन की जगह आ गया जी वन ओवर थ्री, माइनस फोर ओवर ट्वेंटी वन भी रहेगा वैसे ही। थर्ड टर्म की बात करें, ए वन है जी वन ओवर थ्री, आर आ गया वैसे माइनस वन ओवर थर्टी सिक्स। यहाँ पे दो फ्रैक्शंस माइनस हो रही हैं, एलसीएम लेंगे 3R और 2R का एलसीएम क्या आएगा, इट विल बी 6R, 2 इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 3R 1R 3R आ जाएगा। फर्स्ट टर्म आ गई, सेकंड टर्म में 3 और 21 का एलसीएम क्या होगा जी, 21, 3 के टेबल में 21 आता है जी 7 पे, सो 7 1R 7, माइनस एलसीएम डिनोमिनेटर सेम तो 4 आ गया वैसे ही। थर्ड टर्म की बात करें जी, 3 और 36 का एलसीएम आपके पास आता है जी 36, अब 3 के टेबल में 36 आता है 12 पे, वो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 1s are 12 r आ गया, माइनस एलसीएम डिनोमिनेटेड सेम तो 1 आ जाएगा एज इट इज। आगे फर्दर क्या सिंप्लीफिकेशन है, 7 में से 4 निकालने पे 3 बचेंगे, तो आई विल हैव 2 माइनस 3 r ओवर 6 r, 7 में से 4 निकाले 3, ओवर में रहेगा 21 और तीसरी टर्म आ गई जी 12 r माइनस 1 ओवर 36। अब नेक्स्ट क्या हो रहा है जी, 3 1s are 3 3 7s are 21, तो मेरे पास फाइनली 2 माइनस 3 आर ओवर 6 आर, 1 बाय 7 और थर्ड टर्म है जी 12 आर माइनस 1 ओवर 36 जो है, ये एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन आ गई है इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है तो बाय द डेफिनेशन ऑफ एच पी इनकी टर्म्स का रेसिप्रोकल मिलने पे मेरे पास क्या बनेगा, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो कर लेते हैं जी, इसका बात का मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट जब मैं टर्म्स का रेसिप्रोकल लूँगा, यानी 2 माइनस 3 आर ओवर 6 आर को बनाऊँगा मैं 6 आर ओवर 2 माइनस 3 आर। नेक्स्ट टर्म क्या थी जी आपके पास, 1 बाय 7, इसका रेसिप्रोकल 7 ओवर 1, ओवर में 1 हम लिखते हैं नहीं। जो थर्ड टर्म थी हमारे पास 12 आर माइनस 1 ओवर 36, इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा जी, 36 ओवर 12 आर माइनस 1, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो इसका मतलब यह कि इसकी हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कॉमन है, जो हमने एपी की डेफिनेशन की थी, यानी कि इट मींस कि अगर मैं सेकंड टर्म 7 में से माइनस करूं फर्स्ट टर्म विच इज 6 आर ओवर 2 माइनस 3 आर, सेकेंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करें, और ये थर्ड टर्म 36 ओवर 12 आर माइनस 1 में से माइनस करूं सेकेंड टर्म को, तो जवाब क्या आते हैं जी, इक्वल आते हैं, बिकॉज द डिफरेंस इज कॉमन हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का। अब इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे जी, फ्रैक्शंस को एक तरफ और बाकी एक तरफ, यानी ये 7 रहेगा वैसे और माइनस का 7 इधर आके प्लस 7, इक्वल की राइट साइड पे मेरे पास था जी 36 ओवर 12 आर माइनस 1, और ये माइनस का 6 आर ओवर 2 माइनस 3 आर राइट में जाके क्या हो जाएगा जी, प्लस का 6 आर ओवर 2 माइनस 3 आर। अब लेफ्ट राइट पे तो 7 प्लस 7 हो गया 14,
राइट साइड के न्यूमिनेटर में 36 और 6, इनके अंदर मुझे 2 कॉमन नजर आ रहा है, टेक दैट 2 कॉमन। उससे हमें फायदा क्या होगा, अभी आपको पता चल जाता है। 2 कॉमन लेने पे अंदर बच गया जी 18, ओवर में 12 आर माइनस 1 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 6 में से 2 कॉमन लिया तो बचेगा 3 आर, ओवर में 2 माइनस 3 आर रहेगा एज इट इज। अब फायदा ये हुआ जी कि ये 2 जो मल्टीप्लायर है इक्वल की दूसरी तरफ जाके होगा डिवाइड 14 के नीचे, तो 2 वन जार 2, 2 सेवन जार 14 कटिंग हो जाएगी। कटिंग करने के बाद मेरे पास बच गया जी 7 इक्वल्स टू 18 ओवर 12 आर माइनस 1 प्लस 3 आर ओवर 2 माइनस 3 आर। अब ये दो फ्रैक्शंस हो रही हैं ऐड, तो फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं, एलसीएम लेके लेफ्ट साइड पे 7 ने रहना, वैसे चूंकि दोनों डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो एलसीएम में 12 आर माइनस 1 भी आएगा और 2 माइनस 3 आर भी आएगा। ये 2 माइनस 3 आर मल्टीप्लाई होगा जी 18 के साथ, प्लस का 3 आर वैसे 12 आर माइनस 1 इधर आके इसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई। करें जी मल्टीप्लाई, 18 टू जार 36 माइनस 18 3 जार 54 आर आ गया, प्लस 3 12 जार 36 आर इंटू आर हो गया जी आर स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 3 आर 1 जार 3 आर आ जाएगा। डिनोमिनेटर की बात करें जी तो ये दोनों भी हो रहे हैं मल्टीप्लाई, करें 12 आर पहले इन दोनों से होगा तो 12 टू जार 24 आर, माइनस 12 आर को 3 आर से किया तो 12 तीये 36 आर स्क्वायर आ गया, माइनस वन है इन दोनों से माइनस वन टू जार माइनस टू, माइनस माइनस प्लस 3 आर 1 जार 3 आर, लेफ्ट साइड पर 7 रहेगा एज इट इज़। अब इधर क्या सिंप्लीफिकेशन हो रही है जी, 7 वैसे ही इक्वल पहले स्क्वायर वाली टर्म लिख लें जी, वो है जी 36 आर स्क्वायर, देन सिमिलर टर्म्स कंबाइन करें, वो कौन जी माइनस का 54 आर माइनस का 3 आर, कितने बन जाएंगे जी माइनस का 57 आर, प्लस का 36 ये लास्ट टर्म रहेगी वैसे ही ओवर, क्या जगह जी आपके पास इधर भी स्क्वायर वाली टर्म वो है जी माइनस 36 आर स्क्वायर। उसके बाद आर वाली टर्म्स हैं वो कौन कौन सी हैं जी आपके पास 24 आर और 3 आर, 24 में 3 जमा करने पे कितने आ जाएंगे जी प्लस का 27 आर और माइनस का 2 रहेगा एज इट इज़। मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर लिया। अब नेक्स्ट क्या हो रहा है जी, ये वैल्यू जो इसके राइट साइड पे इक्वल में डिवाइड हो रही है लेफ्ट पे जाके 7 से क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, कर दें जी उसको मल्टीप्लाई, मेरे पास आ जाएगा जी 7 इंटू माइनस 36 आर स्क्वायर प्लस का 27 आर माइनस का 2, और राइट साइड पे न्यूमिरेटर वाली वैल्यू वैसे यानी 36 आर स्क्वायर माइनस 57 आर और प्लस का 36। अब 7 को करें अंदर मल्टीप्लाई, 7 इंटू माइनस 36 ये मेरे पास आ जाएगा जी माइनस का 252 आर स्क्वायर। उसके बाद 7 इंटू 27 ये आ जाएगा जी प्लस का 189 आर और माइनस 7 टू जार 14 आ गया। इक्वल की राइट साइड पे जो वैल्यूज हैं दे विल रिमेन एज इट इज, यानी कि 36 आर स्क्वायर माइनस का 57 आर और प्लस का 36। अब ये मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई नज़र आ रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सारे फैक्टर्स एक तरफ और इक्वल की राइट साइड पे क्या होता है जीरो, तो यहाँ पे मैं सारी वैल्यूज को पहले एक तरफ करता हूँ। ये आर स्क्वायर वैल्यू वैल्यू नेगेटिव किया राइट पे जाके इसको पॉजिटिव बना लेते हैं, तो क्या होगा जी पहले उधर मेरे पास 36 आर स्क्वायर पड़ा हुआ है, माइनस का 252 आर स्क्वायर इधर आके प्लस का 252 आर स्क्वायर हो जाएगा, देन माइनस 57 आर पहले ही मौजूद है लेफ्ट पे प्लस का 189 आर, राइट पे जाके माइनस का 189 आर हो जाएगा, प्लस 36 इधर पड़ा हुआ है माइनस 14 इधर आके क्या हो जाएगा जी प्लस 14 और इक्वल की लेफ्ट पे क्या बच गया जीरो, क्योंकि हमने सारी टर्म्स को ही राइट पे शिफ्ट कर दिया। अब क्या होगा जी 36 आर स्क्वायर में 252 आर स्क्वायर ऐड करें तो आपके पास कितने आ जाएंगे जी, यू विल हैव 288 आर स्क्वायर। इसी तरह माइनस 57 आर माइनस 189 आर साइन सेम है, ऐड करेंगे 57 प्लस 189 कितने हो जाते हैं 246, तो ये माइनस का 246 आर आ गया। 36 प्लस 14 कितने होते हैं जी 50 और इक्वल टू जीरो, जीरो को चाहे आप इक्वल की लेफ्ट पे लिखें राइट पे लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है, जिसको सॉल्व करने के हम तीन तरीके जानते हैं जो यूनिट 4 में पढ़े थे, देवर फैक्टराइजेशन कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बट बिफोर अप्लाइंग देम हम देखें क्या इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, यस देयर इज, इन तीनों में 2 कॉमन है,
तो जब मैं 2 को कॉमन लूंगा इधर बच जाएगा जी 144 आर स्क्वायर माइनस 246 में से 2 कॉमन लिया तो इधर बचेगा 123 आर, 50 में से 2 कॉमन लेने पे बचा 25 इक्वल टू 0। अब 2 तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता क्योंकि दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट 0, सो आइदर ऑफ देम इज 0, 2 0 नहीं हो सकता, इसका क्या मतलब हुआ जी? सो इट मीन्स के 144 आर स्क्वायर माइनस 123 आर प्लस 25 ये इक्वल आ गया 0 के। तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई। अब इसको सॉल्व करने के 3 तरीके जो हमने अभी जिक्र किए, मैं करने जा रहा हूँ जी यहाँ पे फैक्टराइजेशन। उसके लिए क्या तरीक़ेकार होता है जी, हम लोगों ने बड़ी डिटेल में इसको यूनिट 4 में सीखा था कि पहली और आखिरी टर्म वैसे 0 आ जाएगा इक्वल के राइट साइड पे एज इट इज़, उसका फैक्टराइजेशन में कोई ताल्लुक ही नहीं। अब मैं माइनस 123 के फैक्टर बनाऊँ तो वो बनते हैं जी माइनस का 48 आर और माइनस का 75 आर, इन दोनों को ऐड करने पे माइनस का 123 ही बनता है और इनकी प्रोडक्ट और 144 और 25 की प्रोडक्ट सेम रिजल्ट करती है। अब चार फैक्टर्स हैं, दो दो के पेयर में से निकालने जी कॉमन। पहले दो हैं जी मेरे पास 144 आर स्क्वायर माइनस 48 आर, इनके अंदर मेरे पास 48 आर कॉमन आ रहा है तो 48 थ्रीजा 144 आर आ गया, वैसे स्क्वायर था एक आर कॉमन एक बच गया, माइनस आपने 48 आर को कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 1। 75 आर और 25, इन दोनों में 25 कॉमन है माइनस के साथ बिकॉज 25 थ्रीज आर 75 आर आ गया एज इट इज़, माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस माइनस में चेंज एंड 25 वन आर 25 इक्वल टू 0। अब ये 3 आर माइनस 1 मेरे पास कॉमन आ रहा है इन दोनों में, इसको निकालें जी कॉमन। तो टेकिंग 3 आर माइनस 1 कॉमन फर्स्ट फैक्टर में से बचेगा 48 आर, सेकेंड फैक्टर में से माइनस 25 इक्वल टू 0। अब अगेन दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट 0 है तो एक बार 3R माइनस 1 इक्वल 0 के होगा एंड आपके पास 48R माइनस 25 इक्वल होगा 0 के। अगर ये 0 है तो 3R इक्वल 1 तो और R की वैल्यू हमारे पास आ जाती है जी 1/3 एक वैल्यू, और अगर आपके पास ये वैल्यू इक्वल टू 0 तो 48R इक्वल आ जाएगा जी प्लस का 25, 48R से मल्टीप्लाई हो रहा है 25 के नीचे आके क्या हो जाएगा जी डिवाइड। तो ये मेरे पास R की दो डिफरेंट वैल्यूज़ आ जाती हैं। हम लोग कर क्या रहे थे बेसिकली, हम लोग इनिशियली फाइंड करना चाह रहे थे जी वो तीन नंबर जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है जिनके लिए मुझे दो डिफरेंट कंडीशंस गिवन थी, उनके इस्तेमाल करते हुए एक कंडीशन से मैंने A1 निकाल लिया, उसके बाद हमने R कॉमन रेशियो फाइंड करनी शुरू कर दी थी और उसको निकालते हुए सोल्यूशन के दौरान हमने R की दो वैल्यूज़ फाइंड कर ली 1/3 और 25/48। अब इन दोनों R के कोरस्पॉन्डिंग मेरे पास तीन डिफरेंट टर्म्स निकलेंगी। तो बात कर लेते हैं जी पहला केस की कि जब मैं इस्तेमाल करूँगा जी R की वैल्यू क्या 1/3, फॉर R इज इक्वल्स टू 1/3 क्या होगा मेरे पास, A1 मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ वो 1/3 है और R भी मेरे पास आ गया 1/3। नाउ जो टर्म्स मैंने सपोज की थी व्हाट वर दे, हमने टर्म्स ली थी A1 ओवर R, A1 R, A1 तो 1/3 है तो पहली और तीसरी टर्म A1 ओवर R और A1 इंटू R निकालनी है। देख लेते हैं जी इनको, A1 ओवर R की बात करते हैं, A1 आपने निकाली है 1/3, R की वैल्यू भी क्या है 1/3, अब यहाँ पे 1/3 ऊपर नीचे हो गया कैंसिल एंड आफ्टर कैंसलेशन A1 ओवर R की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाती है जी 1, यानी कि फर्स्ट टर्म होगी 1, सेकेंड टर्म जिसको A1 कहा था वो 1/3 है और तीसरी टर्म हमने A1 R लेट की थी, A1 की वैल्यू है जी 1/3, R भी आपने निकाला है 1/3, 1/3 इंटू 1/3 1 1 1 3 3 9, तो तीसरी टर्म मेरे पास क्या आ गई जी 1/9। इसका मतलब ये हो गया सो जो प्रोग्रेशन था वो होगा 1 1/3 एंड 1/9 आर दी नंबर्स। तो ये मेरे पास जो तीन नंबर्स हमने सपोज किए थे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इन दिस फॉर्म, हमने वो तीन नंबर्स निकाले आर की एक वैल्यू के रिस्पेक्टिव, कौन सी वैल्यू 1/3 और वो क्या है जी 1 1/3 एंड 1/9। लेकिन हमने आर की एक और वैल्यू भी निकाली थी, व्हाट वाज दैट, वो वैल्यू थी 25/48, इसके कोरस्पॉन्डिंग भी मैंने वो तीनों नंबर्स मालूम करने हैं, तो आइए उन्हें भी मालूम कर लेते हैं। अब बात होने लगी है जी फॉर आर इज इक्वल्स टू व्हाट 25 ओवर
48. इसी के लिए हम बात करने लगे हैं जो दूसरी वैल्यू थी. क्या थे जी नंबर्स? पहला नंबर हम लोगों ने सपोज किया था A1 ओवर R. A1 की वैल्यू तो 1/3 ही यूज़ होगी, R आपका चेंज हो गया, यानी कि A1 ओवर R इस टाइम बन जाएगा 1/3 ओवर 25/48. फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं? डिवाइड हो रही हो तो मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, यानी कि 1/3 आएगा, ऐसे मल्टीप्लाई में चेंज करें तो नीचे वाली वैल्यू उलट जाएगी, यानी इट विल बिकम 48 ओवर 25. अब 48 वन था 48, 25 थ्री था 75, यानी कि फर्स्ट टर्म जिसको आपने A1 ओवर R लेट किया था वो आ गई जी 48 ओवर 75 एक. और थर्ड टर्म हमने क्या लेट की थी? दैट वाज द प्रोडक्ट ऑफ A1 विद R. A1 आई है जी 1/3, R आपने निकाला है 25 ओवर 48. करें मल्टीप्लाई, 25 वन था 25 और 48 थ्री था 144. तो ये मेरे पास आ गई तीसरी टर्म भी. इसका मतलब ये हो गया कि वो तीन नंबर्स 48 ओवर 75, 1/3 और 25 ओवर 144 आर दी नंबर्स. एट दी एंड ऑफ क्वेश्चन एक बात मैं मेंशन करता चलूं, हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या थी? इट वाज के फाइंड द नंबर्स अगर उनकी प्रोडक्ट 1/27 हो अंडर द गिवन कंडीशंस. मुझे तीन नंबर फाइंड करने को कहे गए थे कि जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हो. और जब मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किया तो मेरे पास आर की दो वैल्यूज निकली, तो आर की उन दो वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग मेरे पास दो डिफरेंट ट्रिपलेट्स निकले. उसने तो मुझे एक की तरह के तीन नंबर्स कहे थे, तो मैं आर के सिंगल वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग भी ये तीन निकाल के ख़त्म कर सकता था, बट वी ट्राइड टू सोल्व फॉर दैट अदर वन एज वेल. अगर आपको याद हो तो पीछे हम लोगों ने A1 की दो वैल्यूज को स्किप किया था. कौन सी जी? जो A1 स्क्वायर प्लस 1 ओवर 3 A1 प्लस 1/9 के रिस्पेक्टिव हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स रूट्स निकलने थे. अगर मैं उन दो को भी लेके चलता तो उनके कोरस्पॉन्डिंग भी मुझे मजीद आर मिलने थे और उन आर के रिस्पेक्टिव मुझे मजीद टर्म्स मिल जानी थी. तो इससे हमारा क्वेश्चन बढ़ना ही था, चाहे वो बढ़ा लें या ना बढ़ाएं, इट्स अप टू यू. अगर हम आउट ऑफ इवन दीज टू में से किसी एक को भी करें तो हमारे क्वेश्चन का सलूशन कंप्लीट हो जाता है.